यहाँ पे पियोनी ककड़ी खाई और नमक मिर्ची लग गई थी उससे, बहुत ज्यादा लगाई उसने और उसे इतनी मिर्ची लग गई वो रोए जा रही। मैं उसे सेब दे रही थी, वो उसे भी नहीं खा पा रही, इतनी मिर्ची लग गई है पियो को आज। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? तो यहाँ पे मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया था मॉर्निंग से, तो मॉर्निंग का जो क्लीनिंग का रूटीन होता है वो तो मेरा हो गया था, झाड़ू पोछा वगैरह, नाश्ता भी हो गया था यहाँ पे। तो ये जो रूटीन है ये नाश्ता के बाद का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सारे बर्तन, ये तवा है, इस बड़ी वाली कढ़ाई में काला काला दिख रहा है ना, तो इस पे मैंने मक्खन से घी निकाला था वो वाली है। दूसरी सब्जी की कढ़ाई है, ये सारे बर्तन सिंक में नाश्ता के हैं। तो आप नहाना धोना, पूजा पाठ, पोछा झाड़ू सब कुछ हो गया था। तो यहाँ पे हो रहा है दूध गरम, और दूध भी देख लूँगी मैं गैस में रखा है, और साथ ही साथ यहाँ पे अपने बर्तन भी धुल लेती हूँ। और बगल में शायद कहीं पे काम चल रहा है घर में, तो आवाज़ आ रही होगी खट खट की, उसे इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे पहले मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। तो झाड़ू पोछा का मैंने नहीं दिखाया, डेली डेली वही हो जाता ना, सुबह उठ के ब्लॉग स्टार्ट किया और अपना हो गया झाड़ू पोछा स्टार्ट, तो ये सारे काम हो गए थे यहाँ पे मेरे, और बस किचन का ही रह गया था बर्तन साफ करने, किचन की क्लीनिंग करना। और उसके बाद तब जब तक ये काम ख़त्म होता तब तक लंच का टाइम हो ही जाता है, क्योंकि हम लोगों के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो इनको मैं धो लेती हूँ फटाफट करके, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। और कल कोई आए थे हमारे घर में और कुछ थोड़ा परेशान भी थी मैं, इसलिए मैं किसी बात को लेके तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, और ना ही कोई वीडियो मेरे पास पहले से थी जो मैं अपलोड करती। तो यहाँ पे सबको मैं बर्तनों को मांझ लेती हूँ, उसके बाद इनको वॉश करती हूँ, और फ़ैन की आवाज़ काफ़ी आ रही थी ना, इसलिए मैंने अभी जो है फ़ैन ऑफ कर दिया है वॉइस ओवर करते समय। उस समय ज़्यादा आवाज़ आ रही थी जब बर्तन साफ़ कर रही थी ना, बर्तनों के बजने की, पानी के नल की, तो वो आवाज़ मैंने इसकी बंद कर दी। बहुत सी ज़्यादा बर्तन जब हम मांजते हैं उस समय लगता नहीं कितनी आवाज़ आ रही होगी, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा आती है जब हम फ़ोन में देखते हैं। तो यहाँ पे धुल चुके हैं सारे बर्तन, और ये मैंने टोकरी में रख दिए हैं। ये राजमा की दाल यहाँ पे भिगाई थी तो मैंने यहाँ पे रखी है, कि अब मैंने गैस स्लैब साफ़ कर दिया, दाल को मैं बॉईल करने के लिए रख लेती हूँ। और ये हो रहा है यहाँ पे दूध ठंडा, और यहाँ पे पीहू आई थी नहा के, तो उसकी बालों पे मैं लगा रही थी कंघी। और पियो नहा लेती है कभी कभी, खुद से नहा लेती है, और छोटा है बच्चा तो डेली तो नहीं नहाने देती मैं उसको खुद, लेकिन मैं बोलती हूँ एक दिन खुद नहा ले, एक दिन मैं नहला लूँगी, तो उसे शौक रहता है। कभी कभी बोलती है मैं खुद से नहा लूँगी, जिस दिन बालों पर शैम्पू लगाना होता है ना उस दिन मैं नहला देती हूँ। तो वो आ गई थी नहा के, और यहाँ पे ये कपड़ा जो मैंने अपने लिए प्लाजो बनाया था ना उसी का है, तो उसके लिए मैंने कल इवनिंग को काटी थी प्राप्ति के लिए, टॉप का ये, स्कर्ट का ये, वो सॉरी टॉप का ये या शॉर्ट कुर्ती का ये, समीज का ये, तो इसी कुर्ती टाइप की बनाई थी मैंने उसके लिए। अगर मैं उसके लिए लॉन्ग कुर्ती बनाती तो कभी नहीं पहनती, एक दो बार मैंने उसके लिए बनाई भी है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं पहनती है। और इसी का मैं दिखा रही थी कि ये मेरा प्लाजो है, उसी का बचा हुआ कपड़ा है। तो कल इवनिंग को मैंने इसकी कटिंग कर ली थी, और इसके दोनों पार्ट मैंने जोड़ लिए थे, और गले में पट्टी लगा ली थी, इसकी मैं तुरपाई करूँगी, और बाकी नीचे दोनों पल्लों पे, बाकी नीचे मैं पूरे पे सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि ये तो घर के अंदर ही पहनेगी, कहीं ले जाएगी नहीं, तो तुरपाई में थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, तो तुरपाई नहीं करूँगी मैं इसमें, मैं पूरे पे सिलाई लगा लूँगी और पहनेगी वो, अभी पहन के दिखाएगी आप लोगों को। इसका और भी कपड़ा बचा है, एक पूरी सूट का कपड़ा था सलवार कुर्ती का, और मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने सोचा ऐसे ही कुछ सीख लेती हूँ, इतनी ज़्यादा मुझे सिलाई नहीं आती तो सीख लेती हूँ कुछ बनाना, हाथ भी सेट हो जाएंगे, तो ये बनाई। और जो कपड़ा बचा है उसके लिए एक एक पजामे बनाऊँगी पीयू और प्राप्ति के लिए, जैसे अपने लिए बनाए प्लाजो। तो फिलहाल इसको अभी सिलाई करके और प्राप्ति को पहना के आप लोगों को दिखाती हूँ, अभी बने रहिएगा वीडियो में। और
और लगा के इस पे सिलाई अभी फटाफट करके थोड़ी उसको पहना के दिखाती हूँ कि किस तरह से उसके लिए बनी है शॉर्ट कुर्ती। तो ये वो नहा के आई है और उसने यही वाली पहनी है जो मैंने अभी सिली। तो आप देख लीजिए इस तरह से बनाई मैंने, इस तरह से बनाओ तो पहन लेती है टॉप समझ के, बोल रही टॉप ही है, मैं इसको टॉप बोलूँगी कुर्ती नहीं बोलूँगी। मैंने कहा कुछ भी बोले लेकिन पहन ले। और ये जो प्लाजो पहन रखा उसने, ये मैं अपने लिए लाई थी लेकिन थोड़ा छोटा हुआ और इसको ही दे दिया मैंने। मुझे अच्छा लगा था मल्टी कलर में है ये, लेकिन मेरे पे हुआ छोटा। जबकि दुकान जहाँ से मैं लेके लाई उन्होंने कहा कि फुल साइज है, फुल साइज में ही दिखा रहा हूँ मैं, तो मुझे लग तो रहा था वहीं पे कि मेरे पे छोटा होगा। और यहाँ पे ये कल कोई आए थे गांव में हमारे घर में, तो एक ककड़ी लेके आए थे, तो आधी तो हमने कल रायता बना लिया था और कुछ खा ली थी और आधी ककड़ी बची हुई है, तो इसको हम यहाँ पे अभी खा रहे हैं सबके सब। तो इसको ककड़ी को मैं काट देती हूँ। और एक कटोरी में नमक दिख रहा है, ये परसों पीस लिया था प्राप्ति ने। तो हम इसी तरह से नमक पीसते हैं बिल्कुल पहाड़ी अंदाज में, पहाड़ी स्टाइल में। हरी मिर्च, लहसुन, नमक है इसमें, साधारण नमक और काला नमक भी है, और अगर धनिया वो हरा धनिया तो वो भी डालते हैं, लेकिन मेरे घर में नहीं था। और इस तरह से नमक पीस करके फिर ककड़ी खाने का, या कोई भी फ्रूट हो ना खाने का, बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पे मैं काट रही थी ककड़ी और इस पे सब पे जितने पीस काट रखे हैं सब पे वो वाला नमक लगा दूंगी, उसके बाद खाएंगे एंजॉय करेंगे। आप लोग भी आइएगा। और इतनी बड़ी बड़ी ककड़ियाँ होती हैं हमारे पहाड़ों में, और ये आधी है, इससे बड़ा हिस्सा तो कल खा लिया था। कुछ रायता बनाया नहीं, रायता मैंने यहाँ के खीरे से बनाया बस, खाई थी हमने सलाद में। और ये नमक थोड़ा थोड़ा करके मैं सब पे लगा दूंगी लास्ट में। पियो को इतना मिर्ची लगी, इतना मिर्ची लगी, हरी मिर्च पीस रखी इसमें, इतना रोई हो। फिर मुझे उसे काट के एक टुकड़ी सेब की देनी पड़ी, तब जाके वो चुप हुई। तो आइए आप लोग भी खाइएगा। तो यहाँ पे नमक लगा लिया है मैंने पूरी ककड़ी में, इसके बाद खाते हैं एंजॉय करते हैं। दाल मेरी बॉईल हो गई है, उसके बाद लंच बनाऊंगी, पहले खा लेते हैं आराम से यहाँ पे ककड़ी। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... हमने यहाँ पे ककड़ी खा लिए, इसके बाद मैं अब लंच बनाती हूँ। उससे पहले कर लेती हूँ वीडियो का एंड यहीं पे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसे लगे। यहाँ पे देखिए पीयू को इतनी मिर्च लग गई है उसको, अभी लास्ट में देखिए कैसे रोती है। तो बाय बाय दोस्तों। ना। 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 ना।